नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो तो हमें गिवन कंडीशन है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया उसकी वेलोसिटी जीरो है ठीक है so, हमारे चार ऑप्शन है पहला है एक्सलेशन है टी इक्वल टू ज़ीरो मस्ट भी ज़ीरो ना ये ऑप्शन आपका सही नहीं होएगा ठीक है so, सो आपका फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है Uh, यहाँ पे रुका हुआ है t इज इक्ल टू ज़ीरो पर जब आपने देखना चालू किया तो इसकी वेलोसिटी जीरो है हो सकता है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक्सेलेशन लग रहा हो जब आपने देखना शुरू किया तो आपकी गेंद हाईएस्ट पॉइंट पे है बट उसके नीचे आपको एक नीचे माइनस जी का एक्सेलेशन लग रहा है सो वेलोसिटी जीरो होना डज नॉट मीन आपका एक्सेलेशन जीरो सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर या चॉइस नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट सेकेंड सेक्सेलेशन है टी इज इक्ल टू ज़ीरो मे बी जीरो नाउ ये आपकी पॉसिबिलिटी है कि मस्ट बी ज़ीरो तो नहीं बट मे भी जीरो हो सकता है जीरो तो दिट कुड बी राइट ऑप्शन ठीक है सी ऑप्शन नंबर सी से इफ द एक्सोलेशन इज जीरो फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल नाउ ये आपका पार्टिकल uh, है टी इजीगल टू जीरो पर यहाँ पर रखा हुआ है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और इसका अगर हमें कहा गया है कि एक्सेलेशन भी जीरो है टी जीगल टू ज़ीरो से लेके टी जीगल टू टेन तक तो आपकी स्पीड भी इस इस इंटरवल में जीरो होगी नाउ दिस वुड बी अ करेक्ट चॉइस अगर सी की हम बात करें सो दिस वुड बी अ करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर डी सेज़ इफ़ द स्पीड इज ज़ीरो फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टेन सेकेंड एक्सेलेशन इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल नाउ ये बात भी सही होएगी कि आपने जब उसे नोटिस करना चालू किया टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे आपकी वेलोसिटी जीरो है और हम कह रहे हैं स्पीड जो है आपकी uh, वो भी ज़ीरो है टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड तक हालांकि सो टेन सेकेंड तक हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीड इज इज़ीरो इस इंटरवल में इसका मतलब ये है कि आपका एक्सेलेशन भी जीरो होगा सो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि चॉइसेस आपकी बी सी एंड डी वुड बी द करेक्ट वंस